हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। इसने आधे से ज़्यादा दुनिया के लोगों को बर्बाद करके रखा है। इसे हम पागलपन वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिजोफ्रेनिया। तो सुनो, अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया हो भी गया, मान लो अगर हमको सिजोफ्रेनिया हो गया तो क्या हो। तो देखो, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया हो गया तो वो इंसान जो अपनी रियल लाइफ की दुनिया है, मतलब हमारे दोस्त, माता पिता, इन सबसे रिश्ता खत्म तोड़ देगा और अपनी ही एक अलग ही दुनिया बनाएगा अपने दिमाग में, और वो उसी दुनिया में हमेशा खोया रहेगा। ये होता है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। अब अगर सिजोफ्रेनिया हो भी है किसी इंसान को तो उसमें और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और भी चीज़ें उसके साथ बहुत कुछ होती है। जैसे अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया है और सिजोफ्रेनिया में उसको ये वाला है, इसका पहला है हेलुसिनेशन, उसको हेलुसिनेशन है। तो देखो, हेलुसिनेशन में क्या होता है कि उस इंसान को, जैसे वो मोबाइल चला रहा है और मान लो उस इंसान को सिजोफ्रेनिया हुआ है, उसको लगेगा कोनो अभी हमको बुला रहे हैं पीछे से, तो मुड़ के देखेगा लेकिन ऐसा कोई रहेगा नहीं। अब मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला गया, उसको कोई दौड़ के भी गया है, लेकिन उसको रियलिटी में ये नहीं है होता है, ठीक है। ये सब क्या है, भ्रम है, सिर्फ दिमाग। ये सब कैसे होता है, ये सब दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है, मतलब जो केमिकल हमारे ब्रेन से निकलते हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण ऐसा ये दिखे हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन में उसको लगेगा कि कोई हमको दौड़ के गया है, कोई हमको बुला रहा है, कोई हमको आ रहा है हमारी तरफ, ये सब फील होने लगता है इसको हेलुसिनेशन में पेशेंट को, ठीक है। अगर सिजोफ्रेनिया में आपको अगर डिल्यूशन हो गया, ये डिल्यूशन, तो डिल्यूशन में मतलब कि समझ लो भ्रम, जैसे कोनो मान लो दो मिला बैठ के बतिया रहे हैं और उसको कोनो को देख लिया, इसी इशारा कर दिए, तुरंत समझ जाएगा कि वो हो ये हमारे लिए कुछ बोला, हमारी तरफ उल्टा पुलटा बोला, और लगता है उसी को पीटने लगता है। मतलब बोले तो शक वाली बीमारी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसान दूसरे पर शक करने लगता है ज़्यादा, और शक करने की वजह से ही यानी कितने रिश्ते इस दुनिया में बिगड़ गए हैं, ठीक है। पता चला कोनो को कोनो हम फ़ोन किए अपनी वाइफ को, और पता चला कि बिजी आ गया उधर से फ़ोन बिजी आ गया, तुरंत शक जाता है कि क्या उसको वो कहीं किसी और के साथ तो उसका रिश्ता नहीं है। तो ये हो जाता है हमारे डिल्यूशंस में, ठीक है। ये शक वाली बीमारी, सिजोफ्रेनिया में इंसान को शक वाली बीमारी भी हो जाती है, लगता है शक करने, और शक करने की वजह से यानी कहते हैं रिश्ते क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चलो, सिजोफ्रेनिया में अब देखो थर्ड वाला, बात करने लगता है, मतलब इंसान क्या होगा, वो अपने आप से ही लगेगा बात करना है, ये वो दिन रात अपने दिमाग में अपनी ही दुनिया में क्या होगा, खोया रहेगा, अपने आप से ही बात करेगा, और अपने आप से बात करते करते ना यानी क्या क्या चीज़ें सोच लेगा, सब उसी में केमिकल लोचा पूरा तरह से दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ चीज़ें यहाँ के यहाँ चीज़ें सब एकदम पूरी तरह से खलबली मच जाएगी दिमाग में। तो ये लगता है इंसान अपने आप ही अपने अंदर बात करने लगता है ज़्यादा सोचने, ठीक है। हंसने लगेगा, मतलब सिजोफ्रेनिया हो गया तो ये भी सिम्टम्स आ सकता है आपको, हंसने पर कोई इंसान देखो ज़्यादा हंसने लगेगा, ठीक है। कोई बात हंसने वाली बात भी नहीं रहेगी तो भी वो हंसने लगता है, ठीक है। और पागलपन में इसे जानते हुए लक्षण दिखता ही है, हंसने लगेगा। वो कभी कभी रोने भी लगेगा आपको, जो उसका कुछ ऐसा कोई बात चल रहा होगा जिस पर रो नहीं सकता लेकिन वो रोने भी लगेगा, ऐसा कुछ भी हो जाता है। डरना, उसको फालतू का डरने लगेगा, उसको लगने लगेगा कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब उसको लगता है कि यार फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, सब कुछ क्या है ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें डरने वाली समस्या आती रहेगी। तो आपको अगर ये सब सिम्टम्स कहीं भी आपके अंदर कुछ भी दिख रहा हो तो प्लीज़ कंसल्ट विद न्यूरो फिजिशियन, जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात कीजिए, ठीक है। सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे आप बात कीजिए, उन लोग आपको इस चीज़ का सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। यानी कितनी थेरेपी वगैरह देते हैं, मेडिकल दवा वगैरह चलता है इसके लिए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें बताओ 99% जनसंख्या इस चीज़ में फंसी हुई है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। तो ये हमारा सिजोफ्रेनिया। अब जो सिजोफ्रेनिया है हमारा ये है, इसका कारण जानते हैं, ये तो हम जानेंगे कि सिजोफ्रेनिया होती क्या है, अब ये सिजोफ्रेनिया आती कैसे कैसे है, ठीक है। तो देखो, तो हम ये तो जान गए इसका कि सिजोफ्रेनिया में ये चीज़ होता है। अब तो सिजोफ्रेनिया मतलब बोले तो उसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, तो ये आती है पहले जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स भी आता है, पता चला कि हमारे पापा को था हमारे बच्चे को होगा, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है ये जो लक्षण है ये कम होने लगता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स भी आती है। दूसरा, हाई स्ट्रेस, आप बहुत दिन से लंबे समय से बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस, खूब ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है, तो भी आपको ये सिजोफ्रेनिया का लक्षण आपके दिखने लगेगा। सब बहुत इसका फिक्स कारण बता दी कि यही कारण से सिजोफ्रेनिया हो रहा है, पता नहीं इसका कारण फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी हो सकता है, हाई स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, लो लेवल ऑक्सीजन, अगर आपने आप अगर लो लेवल मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो भी आपको ये सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको ये सिजोफ्रेनिया कंडीशन आपके बॉडी में आ सकता है, ठीक। एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्रेन का, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे शेप और साइज वो क्या हो बदल जाए, तो इसकी वजह से भी क्या होगा सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। अब अगर शेप साइज कैसे बदल जाएगा ब्रेन का,
अरे भैया चोट वोट लग जाए, चोट वोट लग जाएगा ऐसा कुछ, तो उसका शेयर साइज ब्रेन का क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा, तो आपको क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये हुआ, ये सब कारण है, इटियोलॉजी है कि सिजोफ्रेनिया कैसे कैसे आ सकती है, ठीक है। अब अगर सिजोफ्रेनिया हो भी गई तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको देखोगे दोस्तों से दूर होने लगोगे, जैसे हमारे चार फ्रेंड्स हैं उनसे बात करोगे, उनके बीच में खड़े रहोगे लेकिन लगोगे यार इसे कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, वहां से निकल लोगे, मतलब दोस्तों से दूरियां बनाने लगोगे अपने, और जानते हो कि दोस्तों से दूरियां बनाओगे तो आपको कितनी ज्यादा अकेले अकेले रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है। काम करने का दूसरा है, काम करने का परफॉर्मेंस बेकार, जैसे मान लो हमको कोई कॉलेज वगैरह में स्पीच मिला के आपको ये चीज बोलना है, आपको सिजोफ्रेनिया हुई है, तो जो आप काम करने जा रहे हो उसको उतनी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, उतनी अच्छे से बोल नहीं पाओगे, उतनी अच्छे से किसी को समझा नहीं पाओगे, जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई क्रिकेट खेलना, कोई भी फील्ड अगर आपको सिजोफ्रेनिया हुआ है, तमाम तरह का डिस्टर्बेंस दिमाग में झेल रहे हो, तो जो आप काम करने जा रहे हो क्या होगा, बेकार हो जाएगा, चाहे पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, बेकार हो जाएगा। तीसरा, नींद बेकार, आपको नींद एकदम बेकार बेकार है, मतलब आप सोए रहोगे लेकिन डबल माइंड में सोओगे, कहीं दिमाग कहीं और भी रहेगा, एकदम अच्छी वाली नींद आपको क्या होगी, नहीं आएगी, नींद आपकी बेकार हो जाएगी। फोर्थ, डिप्रेस मूड, जो आपका मूड होता है वो हमेशा डिप्रेशन टाइप का आपको फील होने लगेगा सिजोफ्रेनिया में, तो ये सब इसके क्या है, लक्षण है, मतलब ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर सिजोफ्रेनिया हो भी गया तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, देखो जैसे आपकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, अगर डॉक्टर के पास आप चले भी गए तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपके पास जाओगे तो कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख देगा, ठीक है, डॉक्टर दवाई वगैरह लिख देगा, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो दवाई है, मैंने देखा है सिजोफ्रेनिया में एमीसल्फ्राइड ऐसे करके मेडिसिन आती है, ठीक है, ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज, मोस्ट कॉमन, चाहे वो छोटे लेवल पे सिजोफ्रेनिया हुआ हो चाहे ज़्यादा, ये दवाई बहुत ज़्यादा यूज मैंने देखा ऐसा करते हुए, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया में ये सब दवाइयाँ वगैरह यूज करती हैं, ये सब हल्की हल्की आपको नींद भी आने लगेगी सब दवाइयाँ लेने से, तो ये सब दवाइयाँ यूज करते हैं, ये दवाइयाँ करती क्या, ये दिमाग में जाएगा जो केमिकल हमारा डिसबैलेंस हो गया है उस केमिकल को सही कर देगा, बैलेंस कर देगा ये सब दवाइयाँ, इन दवाइयों का यही काम है। और भी टाइप के डायग्नोसिस करते हैं, अगर इससे नहीं काम बनता तो आपको थेरेपी वगैरह देते हैं, अगर आप थेरेपी वगैरह से भी नहीं सही हुए तो आपको फिर थेरेपी वगैरह से नहीं सही तो वही सीटी स्कैन वगैरह सब एमआरआई वगैरह सब होता है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं हो पाते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म। दो ही चीज़ उनके पास है, एक तो दवा लगाएंगे, बच गए तो ठीक है, सही हो गया तो सही है, नहीं तो थेरेपी देंगे, थेरेपी में क्या काउंसलिंग करते हैं, समझाते वगैरह ही सब है तो समझाएंगे, अगर उससे भी नहीं बना तो फिर नहीं बचा सकता कोई आपको, ठीक है। तो क्योंकि मेडिकल साइंस के पास अभी पूरी अच्छी तरीके से इलाज इन सब लक्षणों का नहीं, एंजाइटी का इसका, इस सबको कंट्रोल किया जा सकता है पूरी तरीके से, आप सोचो एकदम सही कर दें, ये नहीं है, ठीक है, दवाइयाँ छोड़ते हो फिर से वापस स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। तो दवाइयाँ आपको लगातार लगेंगे 6 महीने 7 महीने, जैसा आपका सिजोफ्रेनिया जितने साल से हुआ हो आपको, तो ये सब दवाइयाँ भी लगती हैं आपको इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इसको मैंने इसीलिए पूरा डिटेल किया, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज से बता रहा हूँ 100 में से 99% लोग इस बीमारी का शिकार हैं, ठीक है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हर इंसान मैंने देखा है कि इस बीमारी को जरूर, चाहे उसको छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, लेकिन परेशान जरूर है, ठीक है। तो ये था काफ़ी आसान टॉपिक हमारा सिजोफ्रेनिया, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।